यहाँ पे शुरू होने वाला है संगीत का प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री मार रहे हैं। यह है एंट्रेंस, आप देख सकते हैं कितना लाइटिंग्स के साथ सजाया है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर का डेकोरेशन जो बहुत ही सुपर्ब था। आमिर अली होस्ट कर रहे थे, जो टीवी एक्टर है आप सब इनको जानते ही हैं, बहुत ही अच्छे से होस्ट किया, वेरी नाइसली। और यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे, लेकिन मैं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ऑफकोर्स क्योंकि इसमें मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और साथ में सरप्राइजिंगली मेरे हस्बैंड हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा और इनको देख के ऐसा लगा भी नहीं रहेगा कि ही इज़ अ डॉन डांसर। बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर डांस किया है, बहुत ही मज़ा आया उनके साथ स्टेज शेयर करके। और हमारा जो ये सॉन्ग था वो था बद्री की दुल्हनिया। ऑफकोर्स आपको तो पता ही है कि कॉपीराइट का इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं वो ऑडियो नहीं सुना सकती हूँ। और यहाँ पे सारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी हमें ज्वाइन करके पूरा रॉकिंग परफॉर्मेंस हो गया, हमारा फुल ऑन बैंग ऑन परफॉर्मेंस था। तो होप आपको भी हमारा ये डांस अच्छा लगा होगा। तो अब हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे एंड हो रहा है और बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पे एंट्री हो रही है मीट ब्रदर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीट ब्रदर्स के आते ही माहौल एकदम ही मतलब लाइवली हो गया। सब लोग अपने सीट से उठकर स्टेज पर मतलब फ्लोर पर आके सब लोग एंजॉय करने लगे। अच्छा सा सारा परफॉर्मेंसेस, और आमिर अली ने इतना अच्छा होस्ट किया। और उसके बाद सबने डिनर विनर करके, और जैसे ही मीट ब्रदर्स की एंट्री हुई सब लोग फ्लोर पर आके फुल ऑन एंजॉय करने लगे। आप भी देख सकते हैं सब लोग ने कितना मतलब एंजॉय किया है, फुल ऑन डांस और धमाल किया है स्टेज पे जाके। देखो यहाँ पे हम लोग कजरारे सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। ऑफकोर्स कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन आप होप आप लोग को भी मज़ा आता होगा ये सब देख के। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आगे भी बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो इतना सारा एंजॉय किया हम लोगों ने संगीत में, और टाइम का पता ही नहीं चला कि 3:30 AM हो गया। और दूसरे दिन दूसरे फंक्शंस भी थे, लाइक मंडप मुहूर्त और शादी का मेन फंक्शन। तो मैरांगन फोर्ट से लेते हैं अलविदा, और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए हैं मंडप मुहूर्त के फंक्शन के लिए। वैसे हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी इस ये फंक्शन के बाद शाम का फंक्शन था शादी का। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो गई है, और उम्मीद भवन भी लाइटिंग्स और सब डेकोरेशन से सज गया है। तो अभी हमारे दूल्हे राजा बैठेंगे एलिफेंट पे। यस, आप देख सकते हैं एलिफेंट को भी कितना अच्छे से सजाया गया है, जो फंक्शन के लिए हम सबको मतलब बहुत ही ऐसा इंतज़ार था। हमसे ज़्यादा ऑफकोर्स दूल्हा और दुल्हन को होगा, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है वो होता है शादी का, और ये लास्ट फंक्शन था हमारा, मतलब जो भी जोधपुर में उम्मीद भवन में जो भी हम लोग आए थे सब लोग गेस्ट। तो मेन फंक्शन होता है मैरिज, शादी का, और वही फंक्शन के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल बना है, सब लोग यहाँ पे मतलब वीडियो निकाल रहे हैं क्योंकि माहौल ही इतना खूबसूरत था। बारात में सब लोग इतना अच्छे से डांस कर रहे थे, ढोल नगाड़े के साथ दूल्हे
को हम लोग लेके जा रहे थे मंडप तक, जहाँ पे उनकी शादी होने वाली है। तो आप देखिए कितना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है, उम्मेद भवन नज़ारा देखते ही बन रहा था। देखिए क्या सुपर्ब डेकोरेशन किया है, और यहाँ पे हमारा दुल्हा वेट कर रहा है अपनी दुल्हन को। और देखिए दुल्हन की क्या सुपर्ब एंट्री हुई है, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं। और अभी उन लोगों का मेन सेरेमनी शुरू होगी। यहाँ पे दूल्हे अपने मम्मी पापा के साथ एंट्री मार रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्रैंड तरीके से उसकी एंट्री हो रही है। तो प्लीज़ आप ये देखिए। और यहाँ पे आ गए हैं हमारे दुल्हन। देखिए कितनी सुपर्ब तरीके से एंट्री हुई है, और इतनी प्यारी और सुपर्ब लग रही थी। दोनों जन इतने प्यारे लग रहे थे। दुल्हा एकदम महाराजा के जैसे लग रहा था, मतलब प्रिंस के जैसे, और दुल्हन भी एकदम प्रिंसेस महारानी की तरह लग रही थी। और दोनों की शादी इतनी धूमधाम से हुई, और इतनी सारी मेमोरीज़ के साथ। अभी हम लोग भी ये यहाँ पे ब्लॉग को एंड करेंगे, और थोड़े से ग्लिम्स में दिखा देती हूँ नेक्स्ट डे का, जहाँ पे हम लोग सब लोग रिलैक्स होके ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीकॉक्स और सब लोग कितना, मतलब बहुत ही देख के ही बन रहा था यहाँ का नज़ारा। और ये है एयरपोर्ट का एक पिक, और यहाँ पे टेक ऑफ हो गया है हमारा प्लेन बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ। नाउ वी आर हेडिंग टू मुंबई। होप आप लोगों को भी हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी। बाय बाय।